हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर में लॉसेस क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मर में लॉसेस कितने टाइप्स के होते हैं एंड इन लॉसेस को किस तरह कम किया जा सकता है, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। बेसिकली आज का जो वीडियो होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आपको ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस से रिलेटेड जितने भी डाउट होने वाले है सब कुछ क्लियर होने वाले है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं ट्रांसफॉर्मर में लॉसेस होते क्या है। तो लॉसेस और कुछ नहीं, जितनी पावर हमने इस ट्रांसफॉर्मर के इनपुट में दी है, यदि उतनी पावर हमें ट्रांसफॉर्मर के आउटपुट में नहीं मिलती है तो जितनी पावर हमें आउटपुट में कम मिलती है वह बेसिकली लॉसेस होता है। और ये लॉसेस सभी डिवाइस में होते हैं, चाहे मोटर हो या कोई भी कंपोनेंट हो, हर कंपोनेंट में कई तरह के लॉसेस होते हैं। दैट मीन्स कुल मिलाकर देखा जाए तो जितनी पावर हमने यहाँ पे इनपुट में दी है, यदि उतनी पावर हमें आउटपुट में नहीं मिलती है तो जितनी पावर हमें कम मिली है वो बेसिकली लॉसेस कहलाते हैं। चलिए अब हम समझ लेते हैं ट्रांसफॉर्मर में लॉसेस कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है, क्योंकि इसमें कोई भी मूविंग कॉन्टेक्ट्स नहीं होते हैं, मूविंग पार्ट्स नहीं होने के कारण इस ट्रांसफॉर्मर में जो लॉसेस होते हैं ओनली इलेक्ट्रिकल लॉसेस होते हैं, इसमें मैकेनिकली कोई भी लॉस नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। और जो इलेक्ट्रिकल लॉसेस होते हैं ट्रांसफॉर्मर, वो मेनली देखा जाए तो टू टाइप्स के होते हैं। चलिए नॉर्मली ट्रांसफॉर्मर में मेनली टू टाइप्स के लॉसेस होते हैं। पहला होता है कोर लॉसेस, जिसे हम आयरन लॉसेस के नाम से भी जानते हैं, या जो हम कांस्टेंट लॉस भी कह सकते हैं। बेसिकली ट्रांसफॉर्मर की जो कोर होती है उसमें जो लॉसेस होते हैं वो बेसिकली कोर लॉसेस कहलाते हैं। पहले जो कोर बनाई जाती थी वो आयरन मटेरियल की बनाई जाती थी, इसलिए इसे आयरन लॉसेस भी कहा जाता है। और चूंकि जो लॉसेस आयरन कोर लॉसेस होते हैं वो ट्रांसफॉर्मर फिक्स्ड होते हैं, इसलिए ये कांस्टेंट लॉसेस के नाम से भी जाने जाते हैं। दूसरा जो लॉसेस होता है वो होता है कॉपर लॉसेस। बेसिकली क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर में जो वाइंडिंग की गई होती है वह कॉपर मटेरियल की बनी हुई होती है, इसलिए इसे कॉपर लॉसेस कहते हैं। और यह वेरिएबल लॉसेस के नाम से भी जाना जाता है और I²R लॉसेस के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ये जो लॉसेस होते हैं लोड के ऊपर डिपेंड करते हैं, यदि लोड ज्यादा होता है तो जो कॉपर लॉसेस होते हैं वह भी ज्यादा होते हैं, यदि लोड कम होता है तो ये लॉसेस भी कम होते हैं, ये लोड के ऊपर बेसिकली डिपेंड करते हैं। और जो कोर लॉसेस होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं। चलिए पहले हम कोर लॉसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जो कोर लॉसेस होता है वो ट्रांसफॉर्मर की कोर में जो होता है वह लॉसेस कोर लॉसेस कहलाते हैं, इसलिए ये बेसिकली देखा जाए इसलिए इसे कोर लॉसेस के नाम से भी जाना जाता है या आयरन लॉसेस के नाम से भी जाना जाता है। यह जो लॉसेस होते हैं यह वोल्टेज के कारण होता है, ट्रांसफॉर्मर पर जो वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली ट्रांसफॉर्मर में इनपुट का वोल्टेज भी फिक्स्ड होता है और आउटपुट का वोल्टेज भी फिक्स्ड होता है, इसीलिए जो वोल्टेज होता है ये फिक्स्ड, बेसिकली लॉसेस होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं, क्योंकि इसमें वोल्टेज फिक्स्ड होता है, इसमें वोल्टेज कम ज्यादा होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं, इसलिए जो लॉसेस होते हैं इसे फिक्स्ड लॉस के नाम से भी जाना जाता है। यदि वोल्टेज में कुछ परिवर्तन या चेंज होगा तो उस कंडीशन में कुछ लॉसेस इसमें कम ज्यादा हो सकते हैं, बट जो कि पॉसिबल नहीं होते हैं। मेनली ये कोर लॉसेस देखा जाए तो ये हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। जो हमारे पास कोर लॉसेस होते हैं वह टू टाइप्स के होते हैं, पहला होता है ईडी लॉसेस और दूसरा होता है हिस्टेरेसिस लॉसेस। आप हर एक स्टेप को समझते जाइए, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछिए, हर एक स्टेप का अपना एक इम्पोर्टेंस है तो हर एक स्टेप को आप समझने की कोशिश कीजिए। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं ईडी लॉसेस होता क्या है। नॉर्मली जो ईडी होता है इसका हिंदी में यदि मतलब हम समझे तो वो होता है भंवर, इस तरह से जो भंवर आती है उसे हम बेसिकली ईडी कहते हैं। चलिए ईडी लॉसेस समझने से के लिए हमें थोड़ा ट्रांसफॉर्मर के वर्किंग समझना होगी, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। देखिए क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर के इनपुट में जब वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है तो ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग से करंट फ्लो होता है। जब करंट फ्लो होता है तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लक्स इंड्यूस होता है। बेसिकली यहाँ पे हमने एसी करंट अप्लाई किया है तो जो फ्लक्स इंड्यूस होगा वो भी अल्टरनेटिंग होगा, क्योंकि कंटिन्यू टाइम के साथ इस तरह से चेंज होता रहेगा। जो फ्लक्स होगा वो अल्टरनेटिंग होगा, फ्लक्स जब अल्टरनेटिंग होगा तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो जो प्राइमरी का करंट था वो सेकेंडरी में फ्लो होने लगेगा। ये बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत कहलाता है, या फैराडे का म्यूचुअल इंडक्शन के नाम से भी आप इसे जान सकते हैं। वोल्टेज अप्लाई किया, करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ, फ्लक्स इंड्यूस हुआ, फ्लक्स इंड्यूस हुआ, ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, जिससे क्या हुआ, प्राइमरी का करंट सेकेंडरी में फ्लो हुआ। ये बेसिकली फैराडे का म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत कहलाता है। अब ये ईडी लॉसेस ट्रांसफॉर्मर की कोर में कैसे आते हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं।
देखिए होता क्या है, ट्रांसफार्मर के जब वाइंडिंग से करंट फ्लो होता है तो जो कोर होती है यह भी एक कंडक्टर होता है, इसी के चलते जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है इसमें भी करंट का फ्लो होने लगता है। यदि हम ट्रांसफार्मर की कोर एक ही मटेरियल से बना देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस ट्रांसफार्मर की कोर से इस तरह की भंवर बनेगी, जिससे क्या होगा आए वहां पर कई तरह के लॉसेस होंगे। तो इस लॉसेस को बेसिकली ये जो भंवर बनते हैं जो ट्रांसफार्मर की कोर में बनते हैं करंट फ्लो होने के कारण, तो ये बेसिकली ईडी लॉसेस कहलाते हैं। करंट फ्लो होने के कारण इस तरह की जो भंवर बनती है, इन ईडी लॉसेस को कम करने के लिए, इन भंवर को कम करने के लिए, इन ईडी लॉसेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसे पतली पतली बनाते हैं, थीन शीट की बनाते हैं। देखिए थीन शीट की प्लेट बनाने से क्या होगा, देखिए जो कोर पूरे पे बन रही थी अब ये सिर्फ इतने पे बनेगी, यहाँ पर सिर्फ इतने में बनेगी, यहाँ पर सिर्फ इतने में बनेगी, तो ये जो कोर का स्पेस होगा वह कम हो जाएगा। जब कोर का स्पेस कम होगा तो ये लॉसेस भी डेफिनेटली कम होगे, और ये कोर को हम क्या करते हैं लेमिनेटेड कर देते हैं, बीच में अच्छे से इंसुलेशन कर देते हैं। अच्छे से इंसुलेशन कर देने के कारण क्या होगा, इसका स्पेस और भी कम होगा और आपस में इनका कोई कॉन्टेक्ट नहीं होगा, कोई कॉन्टेक्ट नहीं होगा तो ईडी लॉसेस होते हैं ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो ईडी लॉसेस क्या होते, जब करंट फ्लो होता है ट्रांसफार्मर की कोर से तो कोर में इस तरह की भंवर बनती है जो कि ईडी लॉसेस कहलाते हैं। कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है उसे पतली पतली शीट से बनाते हैं और उनके बीच में अच्छे से लेमिनेटेड कर देते हैं, जिससे ये लॉसेस कम हो जाते हैं। चलिए दूसरा लॉसेस होता है हिस्टेरेसिस लॉसेस। अब हिस्टेरेसिस लॉसेस हम समझ लेते हैं, तो जैसा कि जो हिस्टेरेसिस लॉसेस कहलाते हैं वह भी कोर में ही होते हैं। तो ये कैसे होते, किस तरह कम हो गए, चलिए हम समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर में वोल्टेज अप्लाई किया जाता है करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होने से फ्लक्स जनरेट होता है, क्योंकि जो फ्लक्स होता है वो अल्टरनेटिंग होता है, जिससे क्या होगा यहाँ पे जो कहिए बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर फ्लक्स बार बार चेंज होने से क्या होगा, इसकी जो कोर होगी बार बार मैग्नेटाइज एंटी मैग्नेटाइज होगी। देखिए जब पॉजिटिव होगा तो मैग्नेटाइज होगी, जब नेगेटिव होगा तो डीमैग्नेटाइज होगी। इस कारण क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है वो बार बार मैग्नेटाइज एंटी मैग्नेटाइज होती रहती है, और इन मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज होने से के कारण क्या होता है, ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो हीट हो जाती है या काफी ज्यादा गर्म हो जाती है। इन्हें कम से ज्यादा गर्म हो जाने के कारण क्या होता है, काफी ज्यादा गर्म हो जाएगी तो इससे कई तरह के लॉसेस हमारे हीट के फॉर्म में जनरेट होंगे, जिससे हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जो बेसिकली ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो गर्म होती है हिस्टेरेसिस लॉसेस के कारण, जो कि जो फ्लक्स होता है बार बार मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज होता रहता है। तो कोर के जो बार बार मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज होने के कारण जो लॉसेस हीट के फॉर्म में होते हैं वो बेसिकली हिस्टेरेसिस लॉसेस कहलाते हैं। हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करने के लिए जो बेसिकली क्या कर सकते हैं हम, जब ट्रांसफार्मर कोर की डिजाइन की जाती है तो वहां पर हम सिलिकॉन स्टील की, यदि हम ट्रांसफार्मर की कोर बनाते हैं तो सिलिकॉन स्टील की ट्रांसफार्मर की कोर बनाने से जो हिस्टेरेसिस लॉसेस होता है उसे कम किया जा सकता है, जिससे सिलिकॉन स्टील से बनाने से क्या होगा, ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो ज्यादा हीटअप नहीं होगी, जिससे ज्यादा लॉसेस नहीं होगे। सो आई होप आपको कोर लॉसेस क्लियर हुए हो, इसमें एडी लॉसेस एंड हिस्टेरेसिस लॉसेस भी क्लियर हुए हो। चलिए अगला लॉसेस आता है हमारा कॉपर लॉसेस या आई स्क्वायर लॉस या वेरिएबल लॉसेस भी हम इसे कहते हैं। चलिए अगला लॉसेस कॉपर लॉसेस, जिसे हम आई स्क्वायर लॉसेस कहते हैं। यदि हम समझे तो ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में होता है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कॉपर लॉसेस, तो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है वो कॉपर मटेरियल की बनी हुई होती है। अब ये कॉपर लॉसेस कैसे होते हैं चलिए हम समझ लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, कोई भी कंडक्टर होता है तो इस कंडक्टर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। अब क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से करंट फ्लो होता है तो इस रेजिस्टेंस के कारण हमारी जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है वो हीटअप हो जाती है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस हो जाने से ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग गर्म होगी, और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के गर्म होने के कारण जो लॉसेस होता है उसे हम बेसिकली कॉपर लॉसेस कहते हैं, या जिसे हम वेरिएबल लॉसेस भी कहते हैं। वेरिएबल लॉसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि जब लोड ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में हमारे लॉसेस भी ज्यादा होते हैं, जब लोड कम होता है तो उस कंडीशन में हमारे लॉसेस भी कम होते हैं। तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के गर्म होने के कारण जो लॉसेस होते हैं उसे बेसिकली हम कॉपर लॉसेस कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। यह लॉसेस डिपेंड करते हैं कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना करंट फ्लो कर रहा है। इस लॉसेस को कम करने के लिए जो वाइंडिंग के लिए जो मटेरियल यूज किया था वो प्रॉपर कॉपर का अच्छा मटेरियल होगा, तो ये लॉसेस थोड़े कम हो सकते हैं। चलिए बेसिकली ट्रांसफार्मर में जो टोटल लॉसेस होते हैं
वह होते हैं कॉपर कोर लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस। कोर लॉसेस टू टाइप के होते हैं, एडी लॉसेस प्लस हिस्टेरेसिस लॉसेस, या हम कॉपर लॉसेस के नाम से जान सकते हैं। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यदि फिर भी यदि कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए। सो आज के लिए इतना ही।